बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी हमेशा की तरह खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विंटर कलेक्शन। सर्दी के हिसाब से है ये, वेस्ट कॉस्ट है, यानी कि जो लिनन होता है ना, मोटा वाला लिनन होता है जिसे हम बॉस्की लिनन भी कहते हैं, ये बॉस्की लिनन है, ये वेस्ट कॉस्ट है। और आप सब जानते होंगे, अगर आप खुद स्टिच करते होंगे तो इन सबको स्टिच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग नहीं करते इससे पहले, और मैं आपको शर्ट्स खोल के दिखाती हूँ क्या डिज़ाइनिंग की है। तो पहले खोलते हैं अपनी ये वाली शर्ट। तो मैंने स्टार्ट लिया है इसके गले से। इसका गला आप देखें कितना खूबसूरत है, और इसके गले के ऊपर बना हुआ है मोटिफ, यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई है। और इसके बीच में मैंने लगाई है डोरी पाइपिंग। आप सभी जानते होंगे डोरी पाइपिंग हम किस तरह लगाते हैं, अगर नहीं जानते तो आप मेरी वीडियो पर जाएँ और जाकर देखें हम डोरी पाइपिंग वाला गला किस तरह बनाते हैं। ये गला मैंने बनाया है डायमंड स्टाइल, यानी कि डायमंड गला है। बीच में स्लिट उतारी है, स्लिट के बीच में उतारी है पाइपिंग। अमूमन ऐसा होता है जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होते हैं उनको ऊपर से बस ये गोल कर बना देते हैं, सादा छोड़ देते हैं। तो मेरा ये डिज़ाइन दिखाने का मतलब यही था कि हम अगर चाहें, थोड़ा सा मेहनत करना चाहें, तो हम इस पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं और हम इसे सादा नहीं छोड़ सकते। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि कढ़ाई काट के इसके बीच में पाइपिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होती है, मगर बनने के बाद लुक आपके सामने है। तो जी ये तो हो गया इसका गला, मैं आपको और करीब से दिखा देती हूँ। और मैंने इसके ऊपर लगाए हैं डायमंड बटन, यानी कि जो मिरर वाले बटन होते हैं वो वाले बटन लगाए हैं। आप चाहें तो अपनी मतलब पसंद के हिसाब से टसल्स लगा दें, बटन लगा दें, या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर लगाए हैं ये बटन। अब मैं आपको इसके चौक दिखाती हूँ। तो ये तो है इसका दामन, यानी कि दामन का लुक, और लुक आपके सामने है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके दामन पर मैंने लगाई है लैस, और लैस जो है ये रिंग्स वाली लैस है, बहुत ज़्यादा फैशन में है। आप चाहें तो ये लैस दुपट्टे पर, ट्राउज़र पर, जहाँ दिल करे आपका आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फैशन में है, और ये लैस लगाने का मुकम्मल तरीका बहुत ही तफसील के साथ मैंने अपनी वीडियो में दिया है, आप सब जाएँ जाके सीखें। जो लोग आइडिया नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें बताएं कि हम पहले पट्टी लगाएं या लैस लगाएं। तो भाई इस शर्ट की वीडियो में आपको मुकम्मल आपके आंसर्स मिल जाएंगे, यानी कि आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि ये लैस मैंने किस तरह लगाई है। और देखें मैं आपको और करीब से दिखा दूँ, दोनों साइड के धागे नहीं दिख रहे। और ये जो मैंने इसके ऊपर बॉर्डर लगाया है, पहली बात तो ये है कि इसकी लेंथ कम थी, इसकी लेंथ हमने बढ़ाने के लिए इस पर लगाया है बॉर्डर। बॉर्डर जो इसके साइड में था वो बॉर्डर लगा दिया, और बॉर्डर मैंने लगाया है गुम सिलाई के साथ। ये देखिए इसमें धागे नहीं दिख रहे, ये हमारे काम की एक बहुत ही पुख्ताई होती है। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो हमारे काम में आई थिंक वो नीटनेस नहीं आएगी जो हमें चाहिए होगी, वहाँ वरना यहाँ से धागे निकलते ही रहेंगे जब तक आपका ड्रेस है, जब तक ये धागे निकलेंगे। और ये था इसका दामन, इसके दामन की लुक है। ओवरऑल इस पर लैस लगाई है, करीब से दिखा देती हूँ मैं। ये देखें तो ये तो था इसका दामन। अब मैं आपको उसके बाजू दिखाती हूँ। और ये हैं इसके दामन, ये हैं इसके बाजू। इसके बाजू स्ट्रेट टू बेल हैं, इसके बाजू ऊपर से स्ट्रेट हैं, नी पर आकर हमारे बेल हो गए हैं। और मैं आपको इसकी एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं अपने अपनी वीडियो में भी शेयर किया है। इसके ये जो स्लीव्स थे बहुत ज़्यादा छोटे थे, मेरे हिसाब से तकरीबन 20 इंच के इसके बाजू थे, और मुझे चाहिए थे 23 इंच के बाजू, यानी कि 2 से 2.5 इंच का फॉल मुझे चाहिए था। तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, ये फॉल मैंने किस तरह तैयार किया है। इसके बीच में मैंने देखे ये सिलाइयाँ लगाई हैं, एक पूरा बॉर्डर तैयार किया है, उसके सिरे पे मैंने ये लेस लगाई है, और बीच में मैंने ये जॉइंट लेस लगा कर इसे अटैच कर दिया। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। ये डिज़ाइनिंग आप अपने ट्राउज़र पर भी लगा सकते हैं, अपने दामन पर भी बना सकते हैं, जहाँ आपको पसंद आए, जहाँ आपका दिल करे आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले लें, मैं आपको और करीब से दिखा देती हूँ। ये मैंने आधे आधे इंच के गैप पर सिलाइयाँ लगाई हैं।
अब खोलते हैं अपनी दूसरी शर्ट और देखते हैं उसमें क्या डिज़ाइन। तो ये है मेरी सेकंड शर्ट और लास्ट शर्ट, और इसका गला कुछ इस तरह का है। इसके बीच में मैंने लगाई है लेस, ये बाउल वाली लेस है यानी कि रिंग्स वाली लेस है, और लेस मैंने इसके बीच में भरी है यानी इसके सेंटर में लेस फिल की है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इसका गला गोल गला है, बीच में कट है, और ये जो आप लोग बॉर्डर देख रहे हैं इसके हिसाब से ही मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया था। और अगर मैं इसके ऊपर से लेस लगाती तो आई थिंक वो इसकी खूबसूरती नहीं बनती। तो ये जो भी बॉर्डर हो आप देख लें कि किस तरह का बॉर्डर है, उसी को माइंड में रखते हुए आप इस पर डिज़ाइन करें। और इसकी ये जो नेक लाइन है ये काफ़ी लंबी है। अमूमन हमारी जो नेक लाइन होती है वो 16-17 पर होती है, यानी कि हमारी कमीज़ की लेंथ के हिसाब से होती है। अगर हमारी कमीज़ की लेंथ शॉर्ट है तो हमारी ये जो स्लिट लाइन होगी हम इसे शॉर्ट रखेंगे, बट इसकी ये जो नेक लाइन मैंने बनाई है ये तकरीबन 22 इंच की है। मैं और करीब से दिखा देती हूँ, और ये जो लेस है ये मैंने इससे मैच लगाई है, बीच में इसको ऐड करा है। और अब मैं आपको इसके स्लीव्स दिखाऊंगी। ये है इसके बाजू, इसके बाजू पे मैंने कटवर बनाई है, इसको सिंपल रखा है क्योंकि ब्लू लेस ब्लू के ऊपर इतनी नुमाया नहीं होती, इसीलिए मैंने इसको कुर्ता स्टाइल बाजू रख कर इसको आगे से कटवर कर दिया। और अब मैं आपको इसका दामन दिखा देती हूँ। और ये है इसका दामन, इसके दामन पर चारों तरफ यानी कि दोनों चौक्स पर और दामन पर हमने लगाई है फिनिशिंग पट्टी, पट्टी के साथ लगाई है लेस। और आप सब जानते होंगे कि लीलन पर इस तरह की डिज़ाइनिंग करना टू मच बहुत मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा मेहनत ज़रूर होती है, आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा हसीन हो जाती है। आप सब ने भी इसी तरह करना है, काम में दिल लगाना है। जो लोग अपने काम से जान छुड़ाते हैं या बेजारियत जाहिर करते हैं फिर उनके काम में वो खूबसूरती वो फिनिशिंग वो बात नहीं आती। तो काम कोई भी हो आपने दिल से करना है, उसमें बरकत भी होगी और आपको दिली सुकून भी मिलेगा। तो ये था इसका दामन और इसकी लेस। इसका ये जो बैक है, बैक बिल्कुल सिंपल है इस कलर का है, इसलिए मैं आपको बैक नहीं दिखा रही ताकि हमारी वीडियो लॉन्ग नहीं हो। जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब हम करेंगे इसकी तय जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थी मेरी दो शर्ट्स की डिज़ाइनिंग, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर मज़ीद डिज़ाइन देखना चाहते हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, और अब जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट और तबीयत थोड़ा सा नासाज़ है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।